नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनदीप गौतम। इस समय हम कालका विधानसभा क्षेत्र के पिंजौर में खड़े हैं और हम यहां पर जानने आए हैं कि लोग क्या कुछ सोचकर अपना मतदान करने जा रहे हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो आने वाले विधायक से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। आप मतदान करके आए हैं, क्या कुछ विकास देखते हैं पिंजौर में जो अब तक हुआ है? बस मैं तो ठीक ही ध्यान दे रहा जी, बस प्रदीप का जोर है। प्रदीप जी, हाँ जी, मतलब देखते हैं कि वो जीत जाएंगे इस बार। हाँ जी। और अगर विपक्षी देखा जाए, लतिका शर्मा जी, उनका 5 साल तक वो विधायक रही हैं। हाँ। क्या कुछ किया उन्होंने 5 साल में? भाई देखो, उसने कुछ नहीं करा, ना गड़ी करी, ना किसी का कुछ करा, कुछ नहीं। मैम आपका नाम? ममता। ममता जी, आप मतदान करके आए हैं, क्या कुछ सोच कर मतदान किया आपने? मैंने अपनी मर्जी से मतदान किया है। जो मुझे आज तक मोदी ने, जो लतिका शर्मा मोदी जी ने जो भी किया है, वो दुनिया के सामने ही है सब कुछ। और मैंने वो सोच के मतदान किया क्योंकि उन्होंने जनता की भलाई के लिए ही सब कुछ किया है। मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन आपके विधायक हैं लतिका शर्मा जी, उनके बारे में बताइए, उन्होंने क्या कुछ किया है? उन्होंने भी काफ़ी, पिंजौर में भी काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा किया काम। मैम, पिंजौर में क्या कुछ विकास हो सकता है अभी? हाँ जी, सड़क वगैरह बनन, पूरे शहर का विकास होना चाहिए। हाँ हाँ जी। और क्या हो सकता है सड़कों के अलावा? और कि सब कुछ जो चाहिए देश में होना चाहिए। अच्छा, पिंजौर में क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, पिंजौर में आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सुख सुविधाएं चाहिए ना पिंजौर जी। सुविधाएं जैसे? हाँ जी, जैसे बुजुर्गों की पेंशन है ज्यादा हो, बुजुर्गों की सुविधाएं मिलने की, तो बुजुर्ग है। मतदान करके आए हैं, क्या कुछ आपके मन में विचार थे कि इस बार बदलाव क्या चाहते हैं आप? बदलाव तो चाहते हैं, कांग्रेस तो कुछ ना कुछ तो करेगी अब, कुछ ना कुछ महंगाई। क्या कुछ हो सकता है पिंजौर में? पिंजौर तो हमें ही चाहते हैं, थोड़े पिंजौर तो यही चाहते हैं, थोड़ी पिंजौर से यही चाहते हैं, थोड़े फेर बदल हो, थोड़े सा फेर बदल होना चाहिए। अभी पीछे बीजेपी की सरकार रही है जिसमें लतिका जी विधायक रही हैं, क्या कुछ हुआ है उनके राज में? उनके से कुछ हुआ था, थोड़ा सा पता हुआ, कोई इतना विकास तो हुआ नहीं। विकास पिंजौर में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़िया। जंगल से जब मैं आया था उधर हाईवे रोड, उस तो बाद जेड़ा है बाबे नानक जी आए सन गुरुद्वारे, उन्होंने नाम का पंज पांडू आए सन, द्रौपदी ठहरी सी जहाँ उन्होंने राजनगर उन्होंने नौकरी करी सी, छुप के साल गुजारना सी, 12 साल उन्होंने सजा मिली सी। देश के लिए अच्छी होएगा आगे, इसलिए हमने वोट डाला है। हाँ जी। पिंजौर में क्या कुछ विकास हो चुका है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं, इतना खास लग रहा है हमको, अभी आगे आगे देखेंगे अभी क्या करेंगे। नहीं, 5 साल होते हैं एक विधायक के पास अपने हलके में काम करने के लिए, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ है 5 सालों में? अभी तो जैसे तो अभी साफ सफाई में थोड़ा ध्यान लगा हुआ है, जैसे कचरा वगैरह जहाँ जगह जगह खिंडा पड़ा था वो भी रखा जा रहा है, डस्टबिन रखे जा रहे हैं अभी, और भी कुछ बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी तो बात नहीं है। अब क्या उम्मीदें रखते हैं आप वोट डाल के आए हैं अपना, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं कि अब मैंने वोट डाला है अब ये बदलाव होने चाहिए? अभी तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा सा पार्क बने, पार्क बने, ठीक है, पार्क के लिए कोई बच्चों के लिए जगह नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। काश कुछ भी नहीं हुआ पिंजौर में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गलियाँ देखो जी जाके जी, पिंजौर चौड़ा चौक की गोली 3 साल हो गई टूटी, गुरुकुल स्कूल तक कप्पड़ तक कोई भी उसका विकास नहीं हुआ। तो मौजूदा जो विधायक हैं लतिका शर्मा जी, क्या उन्होंने कभी दौरा नहीं किया? हर रोज इधर को आती थी, उसको दिखता नहीं अभी यहाँ पे गली टूटी हुई है, वो इसका सुधार करें, कोई सुधार नहीं हुआ। तो हमारा कैंडिडेट चुना जाए वो हमारे काम करे और तसल्ली से करे, और किसी बहकावे में नहीं आना हमने भाई। अभी तक पिंजौर में क्या कुछ विकास हुए हैं आपसे जानना चाहिए? पिंजौर में ज्यादातर विकास अभी कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, कोई खास नहीं। क्या कुछ हो सकता था आपके नजरिए में कि पिंजौर में ये चीजों की उपलब्धि हो सकती थी या कुछ विकास? स्कूल भी नहीं है यहाँ, एक ही स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, उसका कोई अभी तक काम ही नहीं हुआ। जो मतलब गांव का विकास, सड़कों का विकास, ये सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अब और क्या विकास हो सकता है आपके नजरिए में कि पिंजौर में ये कुछ होना चाहिए? पिंजौर में मेन चीज तो सबसे पहले एक बस अड्डा होना चाहिए, अच्छा, इसके लिए जगह ढूंढ के कोई अच्छी जगह बस, और ये बस अड्डे के अंदर जो रौनक रहती है ना, आदमी चल फिर नहीं सकता, जाम रहता है हमेशा। इसके अलावा कुछ और बड़े मुद्दे? पिंजौर में भी जाम रहता है, आदमी को निकलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए?
एक पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ये कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई सरकारी बिल्डिंग है उनकी जगह है बहुत पंजोर में, वहाँ बनना चाहिए। वो ठीक नहीं बनी हुई, जो ओवरफ्लो है सीवरेज के वो ऊपर हुए हुए बहुत ज़्यादा के फुट, जबकि बराबर होना चाहिए लेवल। वहाँ तो गलतियाँ कह रही है बात। हाँ, हमने आपकी नज़र में क्या कुछ हो सकता है? खुद लातकिया को दिखाया मौका, लेकिन गली बनी नहीं है अभी तक ना। जिस बंदे की जान पहचान थी वहाँ तक तो बनाई थी, आगे जान पहचान नहीं थी वहाँ तक कच्ची पड़ी, अभी तक कच्ची पड़ी है अभी तक। और कुछ क्या हो सकता था पिंजौर में जो सुधार में लाया जा सकता? देखो बस स्टैंड तो यहाँ बन नहीं सकता, ठीक है, पीछे बन सकता बस स्टैंड तो, वही अंदर जगह नहीं है बस स्टैंड के लिए, अंदर जगह कोई नहीं है, ठीक है, कोई जगह नहीं है, पीछे जगह पीछे बनाया था फिर इन्होंने बंद कर दिया, वो पीछे है जगह, बनना चाहिए वैसे बस स्टैंड, हम तो कह रहे पर लेकिन बस स्टैंड बनने क्या लोड है, बस आई जहरी काल का तो है, बस स्टैंड की लोड भी क्या है हमसे। तो ये थे पिंजौर की जनता के कुछ सुझाव और कुछ प्रश्न जो कि उन्होंने हमारे द्वारा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। कैमरामैन कनिष्क के साथ मैं मनदीप गौतम, पिंजौर, अर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।